अब खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर सर्च अभियान के दौरान रेस्क्यू टीमों ने मलबे में दबे 3 शवों को बाहर निकाल लिया है। और इसी को लेकर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि विगत दिनों केदारनाथ घाटी में हुई अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ धाम के गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग तक कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके आगे उन्होंने बताया कि एसटीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस द्वारा 1 अगस्त से सोनप्रयाग से गौरीकुंड पैदल मार्ग में सर्च एंड रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत ही बृहस्पतिवार को गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग के यात्रा पड़ाव छोटी लिंचोली एमआरपी से ऊपर मलबे से 3 शव बरामद हुए और इन शव को मलबे से करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद निकालकर भीमबली आपातकालीन हेलीपैड में लाया गया, जहां से शवों को एमआरपी भीमबली में रखवाया गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।